मिस इंडिया जो आप गलबात करते हैं सारी परसैप्शन बना लेंगे एक टॉल पतली जी उ माइंड होंगे आप फिर वो परसैप्शन बना के चलते हैं कि भई इन्नी पतली होएगी इन्नी लंबी होएगी इन्नी गोरी चिट्टी राइट पर बाकी जेड़े होंगे वो सपना उन्होंने सपना ही रह जाता उसे फिर सोचते हैं शायद असं नहीं जा सकते ये क्राइटीरिया होगा उन्होंने एब्सोल्युटली बिल्कुल पीछे छड़ दिया पर बिल्कुल बिकॉज मैं नहीं छड़ी खैर आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेविन प्रोडक्शन जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिता प्लस साइज वास्ते राइट बिकॉज साढ़े वर्ग तो ना सोच भी नहीं सकते अभी फोटो पाते डरते हैं सोशल मीडिया से कि लोग की कमेंट करेंगे बहुत कमेंट आते हैं बहुत पदे पदे कमेंट्स आते हैं बट थैंकफुली टू द मैविन प्रोडक्शन हु ब्रॉट दिस प्लेटफॉर्म फॉर द प्लस साइज ओनली 300 के उपर कंटेस्टेंट से टॉप 51 के विच में आई फिर उस तो बाद टॉप 20 विच आई आई वोन द सब टाइटल ऑफ ग्लैमरस गॉडेस मैम जो गल करिए आप मोटे पतले काले गोरे ये चीज़ घर तो ही शुरू हो जाती तुम भी मानते हो मैं ये नहीं समझ आता कि वाई मतलब कि क्यों कुड़ियाँ क्यों टारगेट होंगे हैं बंदे क्यों नहीं टारगेट होते मुंडे क्यों नहीं टारगेट होते मुंडा चाहे काला है चाहे गोरा है डार्क टॉल हैंडसम कहते हैं अरे तुसी देखो ना मैं परमात्मा माफ करे काना जी है ना राधा गोरी थी मैं क्यों काला है ना भजन गाने आप राइट वाई मैन आर नॉट टारगेट्स वाई ओनली फीमेल लोग तो मिस यूनिवर्स भी नहीं छड़ते ना संत की गल की जाए जो तो मिस यूनिवर्स बने पूरे स्लिम सी पर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं बिल्कुल वही तो गल है ना वही तो गल है लोग ट्रोल करते वक्त लोगों को नहीं पता कि पर्सन के प्रॉब्लम्स तो निकल रहे हैं उसकी लाइफ की हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर की हो रहा है नोबडी नोज तुसी भारती की गल कर रहे हो पुरानी फिल्मों से चक लो गुड्डी 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 सी मारुति सी इन्हों के बिना टुन टुन इन्हों बिना फिल्म ही नहीं चलती सी है ना तो हूँ वो भारती प्ले कर रही है एज अ कॉमेडी प्ले कर रही है हर हर वो शो के होस्ट है वो मैं उत्तर शो चीगी मेरा शो लाइव हों कुछ हों सब तो पहला ना स्नैपशॉट्स खिच खिच के ना उन्हें रखिया मैं घर आके ना आई वॉज लाइक कि मम्मा ये देखो आप यहाँ बैठे थे ना आप यहाँ बैठे थे आई वॉज लाइक कि शी वॉज नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग मेरे बच्चे प्राउड है मैं प्राउड हाँ वो परमात्मा प्राउड है मेरे पेरेंट्स बैठे प्राउड है उत्थे बस मैं होर किसी तो कुछ नहीं चाहिए लुजाटन सीख रहे हो तुम तो मैं हाँ हर्ष कौर जो भी मिस इंडिया की गल आती है तो खुद ही परसैप्शन बना लेंगे कि एकदम टॉल पतली यहोजी मिस इंडिया होंगी है पर मिस इंडिया जो है बियॉन्ड अपीयरेंस की गल की जाए साइज की गल की जाए वह होंगी है पर जिथे गल आ जाती है मिस इंडिया वो इंटैलीजेंस भी बहुत देखता है सोल देखता है कि कितनी प्यारी सोल है तो उसके तहत थोनों अज मिलावे बहुत ही प्यारे साडे मौजूद ने निधि जी जो कि मावेन मिस प्लस साइज इंडिया इंटरनेशनल दे विच टॉप 20 दे विच पहुंचे ने 300 सीगे टोटल ओदे विच टॉप 20 च भी पहुंचना बहुत वड्डी गल है साडे नाल मौजूद ने तुसी देख सकदे हो गलबात करदे हो सत श्री अकाल किदे वधिया आई एम गुड जदों भी मिस इंडिया जो आप गलबात करते हैं सारी परसैप्शन बना लेंगे एक टॉल पतली जी उ माइंड होंगे आप दिसदी है ना ऐश्वर्या राय सुष्मिता सैन राइट आप फिर वो परसैप्शन बना के चलते हैं कि भई इन्नी पतली होएगी इन्नी लंबी होएगी इन्नी गोरी चिट्टी राइट पर बाकी जेड़े होंगे वो सपना उन्होंने सपना ही रह जाता उसे फिर ही सोचते हैं शायद असं नहीं जा सकते ये क्राइटीरिया होगा उन्होंने एब्सोल्युटली बिल्कुल पीछे छड़ दिया पर बिल्कुल बिकॉज मैं नहीं छड़ी खैर आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेविन प्रोडक्शन जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिता प्लस साइज वास्ते राइट बिकॉज साढ़े वर्ग तो ना सोच भी नहीं सकते अभी फोटो पाते डरते हैं सोशल मीडिया से कि लोग की कमेंट करेंगे बहुत कमेंट आते हैं बहुत पदे पदे कमेंट्स आते हैं बट थैंकफुली टू द मैविन प्रोडक्शन हु ब्रॉट दिस प्लेटफॉर्म फॉर द प्लस साइज ओनली जो अपना के हुनर दिखा सकियाँ राइट 300 के उपर कंटेस्टेंट से टॉप 51 के विच में आई फिर उस तो बाद टॉप 20 विच आई तो आई वोन द सब टाइटल ऑफ ग्लैमरस गॉडेस तो आई फील लकी मैं प्राउड सी अपने उत्ते कि मैं अपने बलबूते पहुंची हाँ एंड प्लस साइज नू पिछे छड़ के सब कुछ छड़ के यू नो कि बॉडी पॉजिटिविटी नाल कि फर्क नहीं पैंदा तुसी किद्दां दे हैगे तुहाडी हर चीज़ जज की जाती है राइट
मैम जो तो गल करिए आप मोटे पतले काले गोरे ये चीज़ घर तो ही शुरू हो जाती तुम भी मानते हो ये चीज़ घर तो मैं लगता है चेंज होनी चाहिए पहला मैं ये नहीं समझ आता कि वाई मतलब कि क्यों कुड़ियाँ क्यों टारगेट होंगे है बंदे क्यों नहीं टारगेट होंगे मुंडे क्यों नहीं टारगेट होंगे मुंडा चाहे काला है चाहे गोरा है नाक टॉल हैंडसम कहते हैं अरे तुसी देखो ना मैं परमात्मा माफ करे काना जी है ना राधा गोरी थी मैं क्यों काला है ना भजन गाने आप राइट वाई मैन आर नॉट टारगेट्स वाई ओनली फीमेल राइट तो करो ही शुरू होते कुछ कर लै कुछ कर लै फैल फैल फैलती जा रही है कि ना खाएंगी एक रोटी कर लै छड़ दे आई मीन बॉडी शेमिंग तो करो ही शुरू होती है ना क्यों दिस इज माई क्वेश्चन क्यों थोड़ू भी बहुत उस चीज़ को पिछे छड़े भी बहुत कहें होंगे हूँ तक दुनिया कहती है डेफिनेटली कहती है आप हंसते हंसते भी किसी को मजाक भी कर देते ना मजाक चे तो किसी को तुम मोटे इधर बुलाते हो राइट ठीक है थोड़ा प्यार है थोड़े माँ बाप है थोड़े भरा पैन है तुम कुछ नहीं कह सकते बाहर वाला कह के देखते दे कोई गुस्सा आता है ना पर आप करते हैं तो भी क्यों बर्दाश्त करते हैं है ना अजकल तो वैसे ही आप कहते ना यूथ ने बड़ा फेमस किया बॉडी शेमिंग एक्चुअली है तो पिछे छड़ना इट्स नॉट ईजी आसान लोग तो मिस यूनिवर्स भी नहीं छड़ते ना संधु की गल की जाए जो तो मिस यूनिवर्स बने पूरे स्लिम सी पर कोई प्रॉब्लम्स होंगी है बिल्कुल उही तो गल है ना उही तो गल है लोग ट्रोल करते वक्त लोगों को नहीं पता कि परसन के प्रॉब्लम्स चो निकल रहे हैं वो लाइफ की हो रहा है वो बॉडी के अंदर की हो रहा है नोबडी नोज है ना हूँ बीइंग अ फीमेल हारमोनल चेंजेस है ना यू आई एम अ मॉम ऑफ टू किड्स है ना हूँ उस तो बाद कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएँ एंगजाइटी लैवल तो स्ट्रैस लैवल तो पंजा तरीके दी होर बीमारियां लग किसी को की पता किसी की प्रॉब्लम की हो रही है कि नहीं राइट कुछ चीज़ा हेरीडिटरी होंगे हूँ मेरे फादर से सेम है ना हूँ मैं जो कह मैं ये तो गप्पा ही है तुम कुछ करते नहीं हूँ मेरे वगू कोई काम करके दस दे मन जाऊँगी मैं उन्नी ही एक्टिव हाँ जिन्ना ही पतला बंदा एक्टिव है उन्नी मैं एक्टिव हाँ बट दुनिया नहीं मनती ना किसी का कहना और उत्थी भारती की गल की जाए लाफ्टर क्वीन उन्हें खुद मजाक बना के हूँ लोग उस चीज़ जिमें कोई मजाक बनाते तो वो चीज़ मजाक लगती ही नहीं कई देखो उस कुड़ी ना सलूट है मतलब कि अपने आप को मजाक बनाना इज़ नॉट ईजी हूँ तुम भारती की गल कर रहे हो पुरानी फिल्मों से चक लो गुड्डी 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 सी मारुति सी इन्हों के बिना टुन टुन इन्हों के बिना फिल्म ही नहीं चलती सी है ना तो हूँ वो भारती प्ले कर रही है एज़ अ कॉमेडी प्ले कर रही है हर हर वो शो दे विच होस्ट है वो उन्हों लभदे है स्पेशली होस्ट करने वास्ते राइट वो नहीं मोटी वो भी मोटी है हूँ लोग ऑफकोर्स थोड़ा जा जागरूक हो रहे हैं बॉडी शेमिंग लैके क्योंकि पतले भी नहीं बख्शते तो मोटे भी नहीं बख्शते नन्या पांडे भी ट्रोल कर मेरा बेटा है बिल्कुल हूँ लोग छड़ते हैं तू दें नहीं तू खा जानी है बट इट्स नॉट लाइक दैट है ना बीइंग अ मदर मैं तो पूरी कोशिश करती हाँ कि हाँ उन्होंने खिलावा मावा तो यह होंगी अपनी रोटी छड़ के अगर बच्चे को नहीं अपनी रोटी दे दें ऑफकोर्स राइट ये दुनिया का आप कुछ नहीं कर सकते जन 100 मुँह है तो 100 गल्ला है कलर्स नू भी काफ़ी जेडे एक्ट्रेस ने वो बाहर आए ने उन्होंने मुद्दा रखिया जिमें सोनम बाजवा पंजाबी एक्ट्रेस किन्नी वड्डी एक्ट्रेस उन्हें भी कहा कि मैंने छोटे होंदे काले कहिंदे सी सारे घरे देखो जदों तुसी किसी मुकाम ते पहुंचदे हो ना जी माइलस्टोन यस एंड जदों वो माइलस्टोन पहुंचदा है ना जी तद जाके तुसी अपनी पड़ास कट सकदे हो कि मैनू ये कहिंदे सी अज मैं इत्थे हां तू भी करके दिखा जे तू आ सकदा है थोनू फील हुंदा कि नहीं ए ऑफ कोर्स मैं कहनी हां मैं इन्नी प्राउड फील करदी हां कि मैनू लोकी कहंदे लै ए की है लै ओके करके दिखाओ मैं तो कहनी हां करके दिखाओ तुसी आसपास जिन्ने भी होंगे तुसी उनां लई इंस्पिरेशन हो हुण तुसी टॉप 20 च आए हो उनां लई भी तुसी इंस्पिरेशन बने हो थोनू एज इंस्पिरेशन लोकां नूं किदां दा फील हो रहा है मैं ना ऑनेस्टली अपने आप में ही प्राउड फील कर रही हूँ एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फीलिंग और सब तो ज़्यादा तो मेरे किड्स है ना जो मेरे सब तो वड्डी स्ट्रेंथ है राइट दे आर प्राउड ऑफ मी व्हाट आई हैव डन मैं कहनी हाँ मेरा बेटा मेरी डॉटर सबनू दस्या है सोसाइटी के अंदर यू नो कि मम्मा ने मम्मा ऐसे ऐसे करके आए हैं राइट मेरी डॉटर मैं उत्थे शो च सीगी मेरा शो लाइव होंदा सीगा कुछ होंदा सी सब तो पहला ना स्नैपशॉट्स खिच खिच के ना उन्हें रखियां
मैं घर आके ना आई वॉज लाइक कि मम्मा ये देखो आप यहाँ बैठे थे ना, आप यहाँ बैठे थे, आई वॉज लाइक कि शी वॉज नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग. मेरे बच्चे प्राउड है, मैं प्राउड हाँ, वो परमात्मा प्राउड है, मेरे पेरेंट्स बैठे प्राउड है उत्थे. बस मैं होर किसी तो कुछ नहीं चाहिए. इंस्पिरेशन की गल है, मैं तो दुनिया नू आज भी कहती हाँ, मेरी डॉटर भी है चाहे कुछ भी है, चाहे वो मोटी है, मेरी डॉटर शी इज़ लाइक यू ओनली, है ना, सावली है. हूँ मैं इन्नी गोरी हूँ, सावली तो मेरी गलती है तो मेरा बच्चा ही है ना, आप बाहर तो नहीं कट सकते. बट मैं एक कहूँगी कि बॉडी शेमिंग करो, बंद कर दो. तुम अपने बच्चे जो बढ़ावा नहीं दोगे ना, किसी को भी नहीं दुनिया च दे सकते. सो ये तो स्ट्रगल दूजा रहा, पर थोड़ी उंगली लाइफ के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है, उस चीज़ को किवें ओवरकम किया अपने. मैं चाहूँगी तुम अपनी कहानी जरूर लोगों तक दसो, ताकि उन्होंने भी एक पावर मिले. सी पावर पर दुनिया च बहुत बहुत कुछ यू नो फीमेल्स पता नहीं कितने कितने पहुँच गई हैं. एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द सिंगल मदर्स, ऑल यू नो द फीमेल्स हु आर डूइंग. मैं कह रही हूँ पता नहीं कितने कितने दुनिया औरतें देखो चंद तक पहुँच गई हैं. मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो देखो परमात्मा ने जो मेरे नाल किया ड्यूरिंग कोविड, लॉस्ट माई फादर, दैन फादर इन लॉ, दैन ऑफकोर्स माई हसबेंड. मेरे को ऑप्शन ही नहीं सीगा कुछ, मैं अपना अपने बच्चों का ध्यान रखना ही सीगा, वो मैं कर रही हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं है वो, मैं करना ही है. मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं है. टफ है बट यस, कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो हार्ड वर्क पेज ऑफ, मैं कह रही हूँ मेहनत करिए. चलो ना कुछ लॉस होया लाइफ के बीच, बट किमें ओवरकम किया कि फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहा थी उस टाइम पे. बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप नू जो दो कपड़े होंगे से गिनती थे. आई टी कंपनी से काम करना कोई सौखा नहीं है, तुम्हें ऊपर तो नीचे तक देखा जाता है. थोड़े वर्गे बच्चे ही काम करते हैं तो देखते थे कल भी यही डाला था, आज भी यही डाला है, है ना. तो घरे की सिचुएशन, बच्चों की सिचुएशन, वो तो शुक्र है कोविड सी टाइम निकल गया, है ना. बट फिर भी 1.5 साल तो बहुत औखा कटिया है, बहुत औखा. पर अज की है वो जरूर दस दो, क्योंकि उस टाइम तो दो कपड़े सी और अज वधिया तुसी हो. टचवुड अज मेरे बच्चों की अलमारियाँ भरी हुई हैं, परमात्मा इदा ही भरता रहे, मेरे शुकराना होता. तो जिन्ना मैं कर सकती हाँ आई विल डू माई बेस्ट फॉर माई किड्स, मैं करांगी अपने बच्चों वास्ते. पिछे देखते हो अपना सोचते हो तो लगता सी इस टाइम तो हम मैं किमें पहुँच गया. आई मन कभी हों रोना, मैं मैनीफेस्ट किया कि मैं एटलीस्ट उन्ना करके दिखाऊंगी कि मेरे बच्चों के ना चेहरे तो स्माइल ना जाए. सिर्फ मेरा मोटो यही है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट देना है. तो मैं उस टाइम भी यही गल कही सी, उस टाइम मैं 20,000 कमाती सी तद भी उन्होंने बेस्ट लाइफ दिती सी. आज मैं जिन्ना मर्जी कमाती हाँ तद भी मैं बेस्ट लाइफ दिती है. आज मेरे को जॉब नहीं है फिर भी मेरे बच्चे बैठे घ्यो नाल रोटी खा रहे हैं, राइट. इन्ना मैं करांगी अपने बच्चों वास्ते. जी एज अ सिंगल मदर पूरा अपना डेडिकेशन उन्होंने दो बच्चों नहीं देते. यस यस, बिकॉज उन्होंने मेरे अलावा कोई नहीं है, राइट. हूँ पीपल कम एंड आस्क मी कि तू उसी भी मैरिज क्यों नहीं कर दे, वाई यू नॉट यू सो यंग. मैं कर लाँगी, मैं मूव ऑन कर लाँगी, मेरे बच्चे नहीं मूव ऑन करेंगे. मैं पता नहीं शायद मेरी सोच गलत है कुछ है, मैं कर देवगी किसी का, मैनू नहीं लगता कोई मेरे बच्चों का कर सकता, राइट. सो जो मैं कर सकती ना अपने बच्चों का कोई भी नहीं कर सकता. ये तो तुम बहुत ही इतों तक तो इंस्पायरिंग स्टोरी हैगी. अगे होर गल है ये सोशल वर्क भी करते हैं, वो बारे में मैं जाऊँगी जरूर दसो. एक सिंगल मदर बहुत सारा काम करना, दो बच्चों को पालना, लोग कई बार हैरान भी हो जाते, कुछ लोग होंगे टीचर भी करते हैं, पर कुछ लोग हैरान भी होंगे कि सिंगल मदर अपने बच्चों को किमें पाल रही है, वड्डे वड्डे स्कूल भेज रही है, पर नाल दी नाल एक सोशल वर्क भी करना बहुत वड्डी गल है, किमें मैनेज करते हो. ओ परमात्मा है मैनेज करवाने वाला, वो बच्चों की किस्मत है जेडे लै रहे हैं, वो प्यार लै रहे हैं तो प्यार दे रहे हैं, राइट. अगर वो परमात्मा है करवाने वाला, मैं नहीं हाँ कुछ करन वाली. मैं तो सिंपल अज भी कहनी हाँ मैं नहीं हाँ, वो ही करवा सरिया एक बनते हो. बस बस सोशल वर्क बारे भी मैं दस दो कि किस तरह का सोशल वर्क करके हो, किमें शुरुआत. कुछ नहीं, मैनू जिते कोई दस जाता है ना कि हाँ कि बच्चा नीडी है. फॉर एग्जाम्पल मेरी हाउस हेल्प है, उन्हें 10th पढ़ाई में छड़ती, हूँ मैं उन्होंने ओपन बोर्ड तो 10th करवा रही हाँ, ठीक है. मैं जिते तक मैं लगता ना कि कुछ करन वाला है पर उन्हें हेल्प नहीं मिल रही, मैं करती हाँ. हूँ सेम एक संस्था है, मैं नाम नहीं लेना चाहवागी वेरी ओपनली, उत्थे सिर्फ कुड़ियाँ हैं. कई दे देखो पेरेंट्स की डैथ हो गई, चाचे ताए नहीं संभाल सकते, कई दे रेप विक्टिम है, कोई कुछ है, 2 महीने तो लैके 21 साल तक दी कुड़ियाँ उत्थे.
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਂ ਸਮਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਯੂਨੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮੋਮ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਰਾਈਟ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਸਵਰ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਲੈ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਓ ਨੋ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੇ ਜਾਓ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਇਟ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਇਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਯੈਸ ਯੈਸ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਏਜ ਵੂਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਫੋਰ ਦ ਫੁੱਲੈਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ ਯੈਸ ਪਰ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 7 ਹੈ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ 8 ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਮ ਸੁਪਰਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸੁਪਰਬ ਟੀਮ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਰੀਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮੈਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਮ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ 70-70 ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਬੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਟੌਪ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੈਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਮੋਟੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਐਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਲੇ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਰਹੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਲਿਊਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਕੈਮਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ